हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बताओ चैनल में दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही न्यू क्यूरियोसिटी से भरपूर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज एप्पल स्लाइस गेट्स ब्राउन इन कूपे। दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन इसी एप्पल को जब भी हम इसको स्लाइसिस में कट करते हैं और इसको ओपन में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस रीजन को पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक समझते हैं कि एप्पल में कौन से बेसिक एसिड्स और एंजाइम पाए जाते हैं। तो मेनली दोस्तों, हमारे यहाँ पे दो एसिड होते हैं, मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। इसमें हमारे एंजाइम्स होते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंड अमाइलेज। अब नेक्स्ट हम मेन मुद्दे पर आते हैं, वो है हमारा दोस्तों, हमारे एप्पल के अंदर पॉलीफिनॉल, ये केमिकल पाया जाता है। जब भी हम एप्पल को कट करते हैं यानी उसके स्लाइसेस में उसको करते हैं, तो वो स्लाइसेस करने के बाद एप्पल हमारा डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। एप्पल का जो इनर वाला पार्ट होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अब ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आने के बाद ये तुरंत उसे रिएक्शन नहीं करता है, इसको एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन सा होता है? वो एंजाइम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, जो कि अभी हमने पीछे देखा। अब इस एंजाइम की प्रेजेंस में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से एडिशन होना, ऑक्सीडेशन होना। तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है ऑर्थोक्यूनॉन। अब दोस्तों, ये ऑर्थोक्यूनॉन हमारा फर्दर अमीनो एसिड से रिएक्शन करता है और ये हमारा बनाता है एक ब्राउन कलर का केमिकल जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन। अब दोस्तों, यही हमारा मेन मुद्दा है, यही हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा एप्पल एक ब्राउन कलर का हो जाता है जब भी हम उसको स्लाइसेस में कट करते हैं और उसको ओपन में रखते हैं। तो ये हमारा मेन रीजन है एप्पल के ब्राउन कलर होने का, मेलेनिन। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए, इसको साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए दोस्तों और बताओ को, और जितना ज्यादा से हो सके इन वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों।